वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट हिल एस सी एल यानी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के क्वार्टर वन के नतीजे आ गए। तो चलिए चेक कर लेते हैं कंपनी का स्टैंड लोन बेसिस पे कैसा परफॉर्मेंस है क्वार्टर वन में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ डेटा लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इनकम देखते हैं तो 95 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 93 करोड़ की इनकम थी, एक साल पहले 65 करोड़ की इनकम थी। तो क्वार्टर क्वार्टर भी इनकम बढ़ी है, साल दर साल भी इनकम बढ़ी है। बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपेंस देखेंगे कंपनी का, तो अब की बार 67 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी ने खर्च किया, पिछले क्वार्टर में 73 करोड़ का था, एक साल पहले 51 करोड़ का था। तो एक्सपेंस कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर कम खर्च किया, साल दर साल ज़्यादा खर्च किया है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं पहले, तो 28 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का प्रॉफिट था, एक साल पहले 14 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर भी, साल दर साल भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट किया है, पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ का प्रॉफिट था, एक साल पहले 11 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर भी, साल दर साल भी। स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। अब चलिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इनकम जो है थोड़ी सी कम देखने मिली क्वार्टर क्वार्टर, साल दर साल देखेंगे तो कम देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक्सपेंस देखते तो एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी ने कम खर्च किया है क्वार्टर क्वार्टर, साल दर साल भी कम खर्च किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया है क्वार्टर क्वार्टर भी, साल दर साल भी, ठीक है। और मार्केट के जो नतीजे मतलब कि एस सी एल में जो नतीजे हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे को देखने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, स्टॉक आराम से 5-6% मूव दिखा सकता है। और गैप अप अगर आपने आज खरीदा होगा तो 5-6% का मूव आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये अनाउंसमेंट है वो कब आएगी। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आज के दिन 20:07 के आसपास अनाउंसमेंट आई है, यानी कि ऑलमोस्ट ये 8 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगा, 8:07 के आसपास अनाउंसमेंट आएगी। तो इसकी प्रतिक्रिया आपको मंडे को देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको पता है रिजल्ट अच्छे हैं तो यह स्टॉक ऊपर जा सकता है। एक यहाँ पे अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे टाइम फ्रेम में, आपको यहाँ पे चेंज करके 1 वीक का करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छा समझ में आएगा फिर। तो अगर आप यहाँ पे इसको आराम से ऑब्जर्व करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसमें आपको पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तब तो आपको समझ में आएगा। ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे लिया और ऑलमोस्ट यहाँ से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिखा करके, 2 बार रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, सपोर्ट मतलब कि रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया है। अब सपोर्ट मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ऑलमोस्ट ये एक सपोर्ट की लाइन हो जाएगी, ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसी जोन के आसपास स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा था लगातार, अब यहाँ पे क्योंकि नतीजे अच्छे हैं तो यहाँ पे इस लेवल को आराम से स्टॉक ब्रेकआउट करके चला जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से कि ये स्टॉक आराम से 350 तक तो जा ही सकता है, क्योंकि इतना मोमेंटम स्टॉक में आ चुका होगा। ब्रेकआउट करेगा तो 5-6% आराम से मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो ऑलमोस्ट ये 325 का हाई भी ब्रेक करते हुए चलेगा। जब 325 का हाई ब्रेक होगा उसके बाद स्टॉक 350 के लिए तैयार हो जाएगा, और 350 के बाद 400 के लिए तैयार हो जाएगा। फिर वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर डबल टॉप बना करके नीचे आ जाए, या फिर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दे करके एक इन्वर्टेड हैमर बना के नीचे आ जाए, वो अलग सीन है। लेकिन 400 तक यहाँ पे जाने की चांस थोड़ी सी है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा इतना ज़्यादा ग्रीडी मत होइए। स्टॉक यहाँ से अगर निकलता है 325 के लिए सोचिए पहला टारगेट, फिर 350 दूसरा टारगेट, फिर 375, फिर 400, मतलब कि 25-25 के पेयर में चलिए। अगर आपने 100 क्वांटिटी खरीदी है स्टॉक, मतलब कि शेयर 100 बाय किए हैं, तो 25 शेयर यहाँ पे निकालिए, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, ऐसे अगर आप करेंगे तो मार्केट में अच्छे तरीके से कमा पाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।